देखा देखा लगा ला भैया से पॉइंट सुटका है आए अरे अरे गौरी होते ओखिया हमरो के दाना पानी मिली या तू लोग के भी चारा पानी मिली जा भैया चला जा भाग के हर 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 अरे 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 पावर अरे का हो मर्दे हली हली चला कट के लागल बा चलो ना मर्दे अरे शंकर भैया कमाल बा तोहार का हो हमनी के अभी खेत पर जाते बानी आ तू 10 कठा ले जोत भी ले बाड़ो यही से न तारा खेत में सावा भर सोना बरसत रहेला अरे भैया ई त धरती माई के गोदी में से फसल उगावे के बा अगर हमरा अपन बिष्णुआ खातिर पहाड़ के सीना चीर के भी फसल उगावे के रही त मुगा देले रहती अरे भैया जा अनमोल रतन बा तू दोनों भाई के प्रेम अनमोल रतन बा चल ए मन अरे भौजी आज इतना जल्दी जल्दी अरे देरी हो गई हो देरी हाँ देरी अरे सलमा अनारे में से खेत जोतत होकी है भूखा सल होकी है तो हर भैया तो चलिए हम संगे चल चले तानी बकरी अलग घसमो गंडे ठीक बा भौजी आज विष्णु भैया भी आई है ना हाँ असो भी टॉप के लन हनु हाँ सलमा नगीना भाई का हो सगीना भाई शंकर बहुआ सलमा के देख के केहू कह सकेला का हो कि एगो हिंदू बाड़ी और एगो मुसलमान सलमा के मातारी बाप के एक्सीडेंट में जब से मौत हो गई शंकर विष्णुए के तरह एकरो जिम्मेदारी उठावेला धन बा शंकर धन बा Yeah.
यज्ञ हमरी बरार तू ही बार सुखवा के संझिया बिहार तू ही बार हो दहिया के हमरी बरार तू ही बार सुखवा के संझिया बिहार तू ही बार देवी के रूप है हमरी भौजाई देवी के रूप है हमरी भौजाई देवता से कम नहीं हुए हमर भाई देवता से कम नहीं हुए हमर भाई इहे चरनिया में जिनकी बानसार इहे चरनिया में जिनकी बानसार हमर जिनकी बानसार माई बाबूजी जैसन हो माई बाबूजी जैसन भैया पूज दिल प्यार माई बाबूजी जैसन भैया पूज दिल प्यार माई बाबूजी जैसन ओ भैया पूज दिल प्यार हमरो के शंकर विष्णु जैसन बेटा दे रहे रहते हैं विष्णु जी उनकी तबाव पढ़े ला उलियल बड़का हाँ भैया हाई ला विष्णु देखा गरी ई सब पढ़ जालनो हाँ रवा सही में एकदम लिख रोड़ा पर पत्थर ही काजी बिना पढ़ले ही पूरे संसार में टॉप कर जाता रे भैया एक बार और पूछी ना काय खातिर रवा जब पूछी ला ना तो हमार मन और मजबूत हो गेला हमरा के ऐसा लगेला कि अगर किताब के एको अक्षर छूट जाए ना तो हम रवा से कोनो चोरी करत बानी आ दूसर बात ई बा के जब तू पूछेला और भौजी डांटेली ना तो और मजा आवेला बदमाश कही के अब तो और ये काम रह गए हा कि मेहरारू मर्दाना में लुतड़ी लगावा अरे मालिक साहब गोड़ लगाता नहीं मालिक साहब जीता बेटा शंकर रउआ एहजा मालिक साहब बेटा यहीं से गुजरत रही और तोहरा लोग के प्यार देख के रुक गए नहीं बेटा शंकर नाव के तेगो काम करा जी सांझ के तनका फरमुए पर मिला एको बहुत जरूरी काम बा जी मालिक साहब आप चलिए बेटा जी ठीक बा जी अतरा प्रणाम भौजी एगो बात कहीं का पिछला बार जब जात रही ना तो भैया कपड़ा खरीदे खातिर पैसा दे ले रहे खरीदला कि नहीं खरीद ले बानी लेकिन अपना खातिर नहीं तो केकरा खातिर खरीदला भैया खातिर एगो पैंट एगो कुर्ता ई काम तू एकदम सही कर ले बाड़ बूढ़ गोरी हाँ लाल लगाऊं माने माने ई की बूढ़ सोगा पोस नहीं माने भौजी हमार भैया के बुड्ढा चुड्ढा मत कही हाँ हमार उम्र में और भैया के उम्र में सिर्फ दो साल के फर्क बा बाकी तू देख लिया हमार भैया हमरा खातिर पैंट जरूर पहरी है अच्छा अब फिर देखिया नंबर एक केरो लगी है नंबर एक हाँ। भौजी 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 दोनों देवर भौजाई मिल के हमरा भैया सचमुच बहुत बढ़िया लग रहा बानी
ना ना तू लोग हमरा बेकूफ बनाओ ना जी साचू बहुत अच्छा लग रहा बानी एकदम सिनेमा की हीरो ने देखा था यह कहा ला छछुंदर के माथे पर चमेली का तेल अब मालिक रहू हंसब तब तक देखो तो शंकर के हिम्मत मालिक साहब रहू हंसब तब तो हो गए अरे बेटा हंसी तो तुम्हार अब रहुआ तो जन्मे करी ले कि हम भी सुनवा के कोनो बात टारी लेना ही अब जबरी ला के पहन पहरा दे से अरे बेटा बहुत अच्छा लाग रहा बारा बहुत अच्छा मालिक अब तक का अब तक बेटा अब तक कबो कबो बहुत डर लागे ला मालिक डर कैसन डर बेटा अ तोरा कौन बात के डर है ओ घरी 12 साल के रही हम आ हमार विष्णुआ 10-10.5 साल के रहे ओ दिन स्कूल से छुट्टी होखला पे सब लइकन के संगे हमहु दोनों भाई हंसत खेलत दौड़त खड़े आवत घरे अइला पर पता चलल कि अचानक ओ दिन दवाई रिएक्शन कैला से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई रहे शहर से डॉक्टर के आवत आवत बहुत देरी हो गई डॉक्टर साहब जांच करके कहलन कि अगर सही समय पर 2 रुपया के दवाई मिल गल होखे तो इनकर प्राण पखेरु ना उड़े थे हे राम घर में रोहा रोहट शुरू हो गई हमरा के छोड़ के नहीं जा सकीले विष्णुआ भी रोवे लागल विष्णुआ के रोवत देखनी तो हम ओकरा पास गईनी आ कहनी तू मत रो विष्णु तू मत रो तू रो बहत तो बाबूजी के बात झूठ हो जाए कहे कि बाबूजी हमेशा हमरा से कहत रहस कि बड़ भाई बाप के समान होखेला हम बाबूजी के जगह तो हर जिम्मेदारी उठाए बाकी तू मत रो विष्णु तू मत रो बेटा शंकर अब माई से भी बाबूजी के वियोग नहीं सहाय एक आगे महीना में हमने के छोड़ के वो बाबूजी के पास चल गई अब 12 साल के उम्र से मतारी बाप बन के विष्णुआ का जिम्मेदारी उठावत उठावत मोह ममता इतना बढ़ गई बा मालिक कि अब तो डर ही लागेला कि गलती से भी अगर ये हाथ से विष्णुआ के कोनो नुकसान हो जाए तो हमें हाथ के काट फेंकब मालिक साहब कसम धरती मैया के हमें हाथ के काट फेंकब बेटा शंकर यो कोनो बात भेल भला ये हाथ से विष्णुआ के काहे खातिर कोनो नुकसान होई है बोलो आओ चलो जी बैठो बेटा आओ बैठो नहीं मालिक साहब ए अनाथ के रोवा इतना दुलार देले बानी कि कबो हमके अनाथ महसूस ना होके देनी ये हमारा खातिर कम नहीं खे मालिक साहब ये कम नहीं खे बेटा शंकर जी एको बात बताई का मालिक अगर हम एको को अच्छा कर्म कैले होखब अब भगवान से हमरा कुछ मांगे के होखी तो हम ये मांगब कि संसार के सब पर भाई शंकर बनी है और छोट विष्णु अहो मांगा बेटा कि सब बाप के शंकर विष्णु जैसन बेटा दी है सब बाप के शंकर विष्णु जैसन बेटा दी है सब बाप के शंकर विष्णु जैसे बिटवा दी है हमनी तो जैसे घोड़ा का लीद है चाहे तो फिर अच्छा मालिक अब चल अब काहे कि विष्णुआ आज शहर से आयल है अभी कुछ बात उचित ना ही भइल है ठीक बा बेटा बाकी एक बार फेरो कहब जी कि जबले हम जिया थे बेटा तबले कुल सोचला की जरूरत नहीं खे ये कुल सोचला की जरूरत नहीं खे जैसे हंसत खेलत बस पौला रहे ला बेटा उसे रहल करा बेटा जी ठीक बा मालिक जा भैया हो अगर हमरा भगवान से कुछ मांगे के होगी तो हम ये मांगब कि ऐसन बात दुश्मनों के न देस अरे बेटा जौन काम से बुलाओ नहीं वो कमुए भुला गए नहीं का मालिक अरे बेटा वो जो चमरवा वाला 2 बीघा जमीनवा हनु ना होके तो ऐसो जोत बोली है समाचार में बतावत रहे कि ऐसो बरसात अच्छा होगी
जी ना। अरे बेटा हमरा मनी बटैया कुछ नहीं चाहिए। जाए दिन हमरो कोनो अधिकार बा बेटा ये घर पे। हम कहा थे कि जोत बोली है। जी ठीक बा माई। जा जा जा। अब तो लागत है बुढ़वा सब कुछ लुटवाए के हमनी के हाथ में अल्मुनिया का कटोरा पकड़वाए दे। भैया हो तू सही कहा था रहा। हम देखता नहीं। हाँ देखा। ए कोड दबाओ। ना जाने संकरवा में ऐसा काम अखन लागल बा। न मनी ने बटैया दू बीघा खेत दे दिया जोते खाए के खातिर। कहीं बुढ़वा ओकरा मेहरारू के संगे। हे गोड दबा तू। बुढ़वा कभो मंदिर बनवाता तो कभो धर्मशाला तो कभो कुइयां खुदवाता और अपने बेटवन बिना बाबा जी का घंटा। भैया का वो जटाधारी के फोन रहे। का कहत रहे तुम हमर के काम के बात करता है और रामन चमन के बिनचाव। रामन चमन वो है नाच नौटंकी। नाच नौटंकी अबे शंकरवा रास्ते में हुए ओके बहलाए फुसलाए के ले चल जाओ और कोनो बहाने ओके खूब दारू पियाए के रंडी बाजी करावल जाए। भैया गजबेनु भगवान राहुल जी में आ गए। बुलाइए जिन का कैमरा याद करके गाड़ी में रख लिया है। ठीक बा भैया। शंकरवा करंडी बाजी करत के सब फोटो खींच के पूरे गांव में बटवा दिए। सब बाप के शंकर जैसे बिटवा मिला है। अब जल्दी से जाए के कपड़ा बदला चला एक बार। मालिक हमू चली। अरे चल रे अब तक घटल बढ़ल में तू ही काम आवल। अब इतना लजो मत जितना तू मस्त रहे उतने मस्ती देवे न। अब जो जल्दी से कपड़ा लियाओ। शंकरवा अरे अखंड बाबू का बात बा शंकर अब इन्हें रास्ते में बाड़ा है। जी हाँ आज तार भाग बड़ा परियार भैया। भाग माने। अब देखा ना शंकर भाई वहाँ बाबूजी बिना लहले दहले तोरा के दुई बीघा खेत दे दे लें जोते खा के खाते और यहाँ। जी अरे भैया वो कहावत था नू कि बिन मांगे मोती मिले और जी, मांगे। हम समझनी नहीं। अरे समझे कोनो जरूरत नहीं के शंकर बाबू आओ तोरा बहती गंगा में डुबकी लगवा दी। बहती गंगा में। अरे वहाँ नाच गाना का प्रोग्राम बा चलो तू मजा ले लिया नाच गाना का। मालिक अब कहाँ राजा भोज या कहाँ गंगू तेली। अब रउआ सबके बीच में तो हम मखमल में टाट के पैबंदे नु लागब। और दूसर बात ये कि अब हमनी के सब पालब तो हमनी के अब धोतिये कुर्ता नु बिकाई। अब हम कोनो गैर बानी कि तू हमरा खाती गैर बाड़ा। आओ चला सरकार ई शोभा ना दी। एकरा मतलब हमरा बात के कोनो वैल्यू नहीं के बाबूजी के तो एको बात नहीं टारल। बड़का मालिक के बाद ये है लोग के कहीं ऐसा ना हो कि हमार ना कहले लोग के बुरा लगे। अरे शंकर का सोचत बाड़ा आवे चलो मजा ले चलो। और शंकर जीवन में जब जब मौका मिले कचरी घुगनी चखे के चाहिए दाल भात चोखा तो आदमी रोजे खाला। चलो बैठा करो ना। चंदा रानी खाली एक बार एक बार अपन रूप के जाल में ओका फसाए के दीवाना बनाए ले बस। पैसे भी हमने के आधा काम कई देले है। कैसे उस सार के कोका कोला में दारू फेंट के या पिया के मस्त कई देले है। बस खाली तू चंदा रानी अपन रूप के जाल फेंका और लेला खंड भैया से मुंह मांगा इनाम। सरकार चंदा ऊ नागिन के नाम हो जेकर डसल छटपटा त सकल तड़प त सकल बाकी बच नहीं सकले। तो सौदा पक्का। पक्का कहीं तो सरकार रवा के अपन दीवाना। अरे रानी हमरा तो तोरा देखते ही जाड़ा बुखार लागे लागल। कहीं तो पहले रावरे बुखार उतार देही। हमार नहीं ओकर। ओकर कौनो कमजोर नस। कमजोर नस सारे खन ईमानदार आदमी बा। हाँ कमजोर नस तो कोनो नहीं खेरानी भैया। एको कमजोर नस बा।
ओकर ब्याह के 4 साल हो गई ला, बाकी ना भाई ले, लाइका भाई का ना भाई ला। 4 साल तक का करत रहे? समझ ली सरकार, राउर काम हो गई। जिये चंदा रानी। का शंकर भाई, मियाज हाथ में बान? अरे सरकार एकदम बा, आई बैठी। अरे इनका गिलाफ काई खाली बा भाई, बिलाती सरबत डाला है अंदर। बड़ी गजब स्वाद बा बाली। बहुत गजब लागे। अब ये चंदो रानी बंठन के अवतारी अवतारी ना, वो गजब लागे।
शंकर कुत्ता कौआ जैसन कतहू मुंह नहीं मारेला। अरे शंकर भाई रुका, अरे जाए दे शंकर भाई जाए दे। अरे नहीं सरकार, ये ससुरी हमारा के नाली वाली में डुबकी मारे वाला आदमी समझत रहे। अच्छा रघुरे जैसे देखा शंकर कुछ हमारे यहाँ काम बा, तू यहाँ से निकले हम बाद में आओ। चल समझ गए नी मालिक। अच्छा जय राम जी। जय राम। नहीं गली दाल राजा नहीं। सारा खेले घरमंडल हो गई। इस सब के यह लक्षण के चलते आज ले दुवरा पर एगो अगुआ नहीं आई। जाए दही जी रउआ सूझ जाए। अरे कैसे सूझ जाए अखंड के माई, चौबीसों घंटा करेजा कुदकते ही रहा लेकिन कहीं वो दुनो भगवान ऐसन बंश से तो निर्बंश रखले रही तन हमरा के अपनवा के कराइल रहे। हाँ तो जुड़ाधारी भाई का बात है, काहे फोन कर ले रहे। अखंड भाई ई हवन चक्करधारी भाई। अच्छा। आवा बैठा। राम राम अखंड भाई। नमस्कार। इनकर चक्कर देश विदेश तक चलेला। गन चक्कर आदमी हवन का चटाधारी भाई। भैया हमार धंधा बाघ शेर और हिरन के छाल के बाद और पुरान मूर्ति मिल गई ना पर ओकरो के विदेश में बेच दिया जाला। अरे चक्करधारी भाई अखंड भाई अपन घर के आदमी हवन। लजौला के काम नहीं खे वो धंधवा के बारे में बताओ ना। अदमियों के छाल के चक्कर बाका हो। अखंड भाई लड़की की कबहो मिल गईला पर ओकरो के विदेश में बेच दिया जाला। खाली एक के गो फायदा बा कि अपनो करे जाके पानी। भैया ये तो पांचों अंगरी घ्यू में और मूरी कराई में वाला धंधा बा। अखंड भैया इस धंधा में लाखों करोड़ों की कमाई बा और सबसे बड़ बात ई बा कि बूढ़ा मालिक के धर्म के गंगा में हमनी के पाप के गठरी बहत रही और केहू के कानो कान खबर तक ना चली। एगो बात कही सरकार का ई इलाका में लड़कियनों के फसल बहुत मजबूत बा। तनी वहू पर गौर करब। अब हम चलत बानी कुछ ही दिन में ही धंधा के बारे में फैसला करके आप लोगों के बताए दे। एक गो बात आपसे पूछेगा जटाधारी भाई। पूछे। नाम तो आप रखे हैं जटाधारी भाई लेकिन माथा पर बाल के नाम पर खूटी बा। दुनिया के चूतिया ना बनावत रही ले।
आधा काम तो अच्छते छिटके चल जाला। देखा हमरा के कहो चूतिया दिन बनाया। बाड़ी हमर घर वाली जान के टुकड़वा, अरे ये करी है घरवा हमार। ई खाजी आ कहां से आवता नहीं रहुआ। अरे पड़ गल नहीं राव के तुके घरा में। राव के तुके घरा। अरे गौरी निकलल नहीं बूढ़ा मालिक के द्वारा से रास्ता में मिल गेले अखंड बाबू और रुद्र बाबू। अब जबरी बैठा के कहे लगा लोग की चला नाच गाना देखे। नाच गाना? अरे हम मना भी कहनी कि हमनी के नाच गाना की श्रद्धा तो गाँव में बरबरियात में नाच आवेला उहे देख के पूरा हो जाला। बाकी कहे की माने जा। अब सोचनी की ना कहब तो उनके बुरा लग जाये। यही से चल गए। दारू भी पी लेनी? दारू भाग भाग माकता ना गौरी उकादू कहला कोको कोला कहीं वही में तो मिला के ना। बाकी इतना नीच हरकत काहे खातिर करी लो। भैया वो दोनों भाई ठीक आदमी नहीं थे। खैर जाए दा, आज के बाद वो दोनों भाई मरद भी रही ना तो लोग के साथ हम नहीं जाए। अरे इतना नीच हरकत भी होखेला। एगो बुढ़ा मालिक बाणन साक्षात भगवान के अवतार, एगो ये दोनों भाई बा घनसा रावण के अवतार। अच्छा चली जाए दी। गौरी जी विष्णु खाना खा ले ले। रौरी असरा दिखत रस की संग भी खाई है। गौरी दारू के नाम सुन के हमार माथा घूमे लागल है ना होखे तो तू विष्णु के खिया दे हम बाद में खा ले। जी ठीक बा। अतना नीच हरकत काहे खातिर कैलस लोग। ये लोग अपन पाप ना जाने कहां रखे हैं। आज अगर माई भी जियत रहती तो शायद विष्णु के ऐसे ज्यादा ममता नहीं मिली। जहिया से गौरी ये घर में ब्याह के आई बाड़ी पत्नी धर्म निभावे में कौनो कसर नहीं रखले बाड़ी बेचारी। हम ही शायद पति धर्म निभावे में मामा सही कहले रहस की सीता सावित्री के गुण। हम तो हर कौनो नानुकुर नहीं सुना। नहीं मामा हम कसम खैले बानी जोले हम विष्णुआ के डॉक्टर नहीं बना ले। हम इस शादी ब्याह के झंझट में हम नहीं पड़ब। अरे विष्णुआ के पढ़ाई पूरा होके में 4-5 साल बाकी बा। तार उम्र निकल जाई तेको बजट लेकर से के ब्याह करी। दूसर बात यह है कि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आवे। सीता सावित्री के गुण बाओ लेकी में सीता सावित्री के गुण। समाज खातिर तो हम दोनों पति पत्नी बन गए बाकी आज तक गौरी के हम पति की सुख नहीं देने। अरे विष्णुआ की जिम्मेदारी तो हमार रहे बाकी सुहागे राते हम गौरी से वचन मांग लेने की। बस 4-5 साल के बाद बा गौरी ओकर बाद हमने क्या अपन जिंदगी। हम समझ गए नी जी हम समझ गए नी। हम तो संसार की सबसे सौभाग्यशाली औरत है जिकर ममता की अचरा भी सुहाग के सेज पर भर गई। रहुआ अगर देवर जी खातिर पिता तुल्य है तो हमरो की माता तुल्य समझ सकेले। रहुआ अपन धर्म के रास्ता पकड़ के चलत रही। गौरी कब्बो रहुआ से अलग नहीं चली। गौरी कभी अलग नहीं चली। काजी का सोचता नहीं चली खाना खा ली। विष्णु खाना खा लन का खा के बारा दालान पर सुते भी चल गए लन। रहुआ चली हाथ मुंह धोई। गौरी काजी चला ना पहले कुछ काम धाम कर लिया जा। काम धाम अब दिन भर तक काम धाम करत रही ले। ऊ वाला काम धाम ना जी दोसर वाला काम धाम। अभी दोसर तीसर किस्म वाला काम धाम का हो किला जी। गौरी अरे उहे जौना से लईका भईका हो खेले। चली हट्टी जी अभी देवर जी के वहाँ पढ़ाई पूरी होके में पूरा 6-7 महीना बाकी बा। अरे पागल अगर निशाना सहीओ लाग गई तो यहू में 9 महीना तलाक भी न करी। लगता उ सब रोवा की सही में भांग ततुरा खिला दे लसा जी बोरा गेल बानी। चली खाना निकालल बा। ना गौरी आज हमके अपन गलती सुधारे के बा। Thank you.
की सारी रात लगाई जाती रात भयवाली बिंदिया से कहे कुछ वाली कहे सगरो तोड़ दे तू एक दूजे के हो जाए ना तू आज बना प्यासा सावन हमके बदरा बन जाए ना ओ अब बंधन सगरो तोड़ दे तू एक दूजे के हो जाए ना तू आज बना प्यासा सावन हमके बदरा बन जाए ना बन जाए बन जाएगा चोरी चोरी झांके ले कन्हैया ओके छाछे दस सजनिया हाले हाले राजे ले सजनिया कोरी बाजे दप जनिया
बच्चो रउआ के सही में भांगा और धतुरा किया दहलबा का अरे तो पना तो गड़बड़ा जाए देखिए सब अब चारों साल की कसर एक ही दिन में निकाल अब का अरे अस्थिर रहा कॉलेज जाता नहीं अरे खाना तो खा के जा भाई हम भरे खाना खा ले हब ये लड़की एकदम हवा हवाई हो गई बा हम आज इनका तो कह के तोहर ब्याह की बात चलवा बधाई ल माई अब ब्याह की बात करे लागल बाकी विष्णु बाबू हमार प्यार के मोले नहीं खन समझत अब साफ साफ बात करे पड़ी ओहो बनना मनी है तो हमार तिरिया रूप देखिए तो तहार शुरू हो गई रोज के खींच खींच ना आज फाइनल कहता नहीं एकरा खातिर कोनो घर द्वार देखी कोनो लड़का अरे एगो लड़का तो नजर में बा अपना कॉलेजों में पढ़ेला बहुत होनहार बा बस ओकरा घर खानदान के पता चल जाई तो ब्याह के बात चलैती का नाम बा अरे भगवान विष्णु लगा दे नीनू दुल्हन ए दुल्हन गोर लागी काकी आई बैठी जियत रहा सुन ले है देवर आए रहलस हाँ काकी गैल का उता भोरी की गाड़ी से गैलन इहो संगवे पहुंचावे गैल हमन अब आवते हो की है खैर जायदा एगो दूसर बात कही दुलहीन का काकी दुलहीन आपन हाथ हमेशा मजबूत रखे के चाही कहे की आंख ठेहुन अपना अब पूत भतार ढपना हम समझ ही नहीं काकी अरे इमें समझे वाला कोनो बात नहीं खे यहाँ तो अब सारा गांव कहा था कैसन बात काकी यह कि भी सुनवा के मुंह ममता में तो दोनों प्राणी बच्चा नहीं खा जन्मावत कि कहीं ओकर मुंह ममता में बंटवारा ना हो जाए ना ना काकी ऐसन बात नहीं खे का कैसन बात बदुल है काकी वो हम तो कहा था दुल्हन कि अगर ये बात नहीं खे तो शादी के चार साल हो गई ला कोनो जांच उच काहे नहीं खे करा ले और अगर गांव के लोग जौन बात कहत आ रे उ सही बा तो बेटा हम इतने कहब कि अपन अपन हो खेला और गुतिया गुतिया हो खेला शंकरवा तो बिष्णुआ के प्यार में आंधर हो गई बा बाकी तू तो समझदार बड़ो ना दुल्हन गोर लगता नहीं है घर फोड़नी का की हां हां हो साथ कही ले तो घर फोड़नी हो जाईले गोतिया गोतिया नहीं काकी गोतिया पहले भाई हो खेला हाँ आए गो कहावत सुन ले ही काकी का ये है कि पेट बिगारे मुड़ी या घर बिगारे बूढ़ी हाँ हाँ कहावत तो सुनते रहिले बाकी रिके धूप में नहीं खेप कोले शहर में पढ़ाता है विष्णु कौनो शहरिया तिरिया मिल जाए ना तब पता चली गोड़ लागी घर फोड़नी काकी और अतीन के भी तैयार होके मिना चली जी रमना चली का ना कहतिया कुछ पढ़ाई उड़ाई करे के बा रमा बेटा जी बाबूजी अरे तू माई के दर्शन करे ना चलबू का तोरे खातिर तो हम अतवार के प्रोग्राम बनौनी नहीं बाबूजी कुछ जरूरी पढ़ाई करे के बा ठीक बा बेटा पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी बा तो हमनी के चलत नहीं जा चलो ठीक बा बाबूजी चलत नहीं हां अब पता चली बच्चू के हम हो देखत आनी आज बाबूजी की आवाज में छक्का आई बिनकरा के हेलो एमजी मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल तिलोचन प्रिंसिपल साहब गुड मॉर्निंग सर विष्णु को फोन दो अजी बुलाता हूँ सर अब पता चली बच्चों के कि हम हूँ सवा से रहें हेलो सर गुड मॉर्निंग तुरा से कुछ काम बा तुरंत घर पे आ जा तुरंत सर पढ़ाई करत रहनी कहनी नू तुरंत घर पे आ जा घर पे नारी के सामने तो विश्वामित्र की तपस्या भी तो ई गवन खेत के मुरई हवन अब देखिए आइटम नंबर 63 कौन जी विष्णु सर दरवाजा खुलल बा अंदर आ जा अच्छा सर रहुआ कहवा बानी सर टेबल पर तौलिया रखल बा उठा के यहाँ ले आवो कहवा सर बाथरूम में बाथरूम में जल्दी ले आवो
अब इज्जत बचाए भगवान। अरे बाबरी,
लगे तो बाबूजी आगे लेकिन जल्दी चला। उमर वाइबू हम रखे। अरे जल्दी चला। जुदा, जुदा क्या कर हो सकेला? कहाँ जानी जी? अरे विष्णु तू प्रणाम सर। हाँ जी बाबूजी, उतनी का हम पढ़े खाती नोट मंगवाई ले रही। अच्छा, अरे क्या विष्णु तार का पड़वा गीला लगा था? यहाँ पानी नहीं बरसा रहे का? जेना रवा बलात्कारी बेटी पैदा कैले बानी कि आज तो हमार इज्जते पर पानी बरसे वाला रहे। अगर रवा लोग सही समय पर ना आ गई रहती तो कुछ कहला का बेटा? जी ना सर। अच्छा चला तानी रामा, नोटवा के काम हो जाए तो भिजवा दिया। अच्छा प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। जी तरह बेटा खुश रहा। यूहे लैकवा बा जौना के बारे में हम तोरा से बतौले रहनी। सुंदर बाजी लागता भगवान एकदम फुर्सते में बैठ के हमार तकदीर लिखले रहलेन जे ऐसा निठल्ला कामचोर भरुआ भतार हमरा भाग्य लिख देले होवेन। अरे ऐसा भतार वाली काहे से तो बढ़िया बाकी। अरे का भइल भौजी, आ काहे सवेरे सवेरे रुआ किसी आइल बानी? अब जेकरे भाग में ऐसा निठल्ला कामचोर लिख दिहल जाई वो खिसिया आए न तो का करी? अरे बाकी भइल का? अगर हम जनती कि ऐसा निकम्मा के खूटा बंधा रहल बानी तो मंडप पर से उठ जाती। देखा तारा भैया घर और बाहर के करत करत हमार चोला एकदम उबिया गेल बाटे। अब बाकी मांगी भाई कहाँ बारे कहवा रही है? वो चार गो संगे बैठ के ठिठोला गिरी करके दिन काटत रहे ले। अच्छा भाजी चला तानी। सुना भैया तनी तू कोशिश करो नहु कि कुछ समझावे के। हम तो उनका समझा समझा के एकदम में थक गई नी। ठीक बा भाजी चला तानी। अब जाते हमार चोला उबिया जाए ना तो कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के हम नहीं हरे चल जाए तब समझ में आए मुझ हो सके। तकाल वाला बुझौल सब जना के याद पानू। हरी थी मन भरी थी राजा जी के बाग में दुसाला ओढ़े खड़ी थी मने थी भुत्ता। अरे चाबा चला चाबा चियत रहा हो उस्ताद। बोरिये बोरिये में रालू से झगड़ा करके बुढ़ा दी खा रल वाली कोनो मामूली बात थोड़ी है बा। अरे बा तब दूसर बुझौल बुझा बुझा उस्ताद। बाकी आज के बुझौल बुझौल नाही बुझौल जैसन बा। हाँ तो बतावा कि शरीर के सबसे नाजुक अंग का होखेला? शरीर के सबसे नाजुक बुझा बुझा तनो ये दो तिलु दाना उस्ताद किलु। अच्छा मान ला हमनी की अहिजा बैठल बानी अब पिछवा एगो बड़का चाके बम फाट जाई तो हमनी के का फटी? बुझा बुझा बम फटी। चुप बुड़बा उस्ताद पूछत तारे कि बम फटला के बाद का फटी? धरती फटी। धरती फटी चुप बुड़बा। धरती शरीर के अंग होला कारे लुबुर लुबुर मत कर। जेकरा जवाब बुझाए उ आके हमरा कान में कहे अरे सब गोटा के दिमाग तेज करे के बानू। उस्ताद तने दूसर किलो दाना। अच्छा जब धरती डोले ला तब पक्का मकान में रहे वाला लोग के सबसे पहले का फटेला? का फटेला आयो दादा बुझा कान में कान में पथा फती। काल सात धरती इली तथात गिली अर्थात गिली ता माथा फती। बुझ गई नी बैठा। कान में कान में बैठा बुझा गई। बैठा तोहरा बुझा गई सब गलत। अरे बुर्बक शरीर के सबसे नाजुक अंग होला अरे ऐसा कौन खतरनाक अंग बा कि उस्ताद के बतावे में भी फाटे लागल? अरे शंकर भैया एने काहे आवता रे? तू लोग कैसे बैठ के दिन भर टंडैली करके टाइम पास करे लो? अरे टंडैली ना शंकर भाई, देवी उस्ताद नया नया ज्ञान सिखावत रहेलन। आनर गुरु बहिर चेला
मांगे आम तो देवे ढेला। ना ना शंकर भाई, अपन ज्ञान रहे दा, हम तो बड़का मालिक के सनेसा लेके आए लनी है। अरे ओकर चिंता तू बिल्कुल मत करा, मेरारू के ड्यूटी पर लगा दे ले बनी, बुझला वो बर्तन सर्तन चुका कुल्हड़ कपटी सब बना के पहुँचा दी। अच्छा, मेहरारू पहुँचा दी। हाँ। अब तू बैठ के तंडेली करिया, जब छोड़ के चल जाई नू तब समझ में आई कि आटा चाउर के भाव का होला, घर से बाहर का काम का होला तब बुझाई। चल तनी टेंशन लेहला के कौनो जरूरत नहीं के, काहे के आधा दुनिया समझदार आदमी के पगले समझ ले। जटाधारी भाई जी, हमनी का आपको प्रस्ताव मंजूर बा। धन्यवाद अखंड भैया, धन्यवाद। अब देखी कैसे हमनी राते दिन लाखों करोड़ों में खेलत रहब। तब तो भैया हो, हमनी को एक तेज आदमी रखे के पड़े रुपया गिने खाती। अच्छा मजाक कर ले रुद्र भैया, तकाल ये है खुशी में रमन चमन के इंतजाम करवावत आनी। काल नहीं चक्रधारी। काहे सरकार? वो बुढ़वा काल जागरण का प्रोग्राम रख ले बा। हे भगवान, अब जग कैसे पार लगी। मालिक साहब चली, सब इंतजाम हो गिल बा। अरे का भेल मालिक साहब, अरे वो इतना परेशान का है मनी? अरे बेटा, जागरण मंडली के फोन आई रहे। का यह कि वो लोग फरक्का एक्सप्रेस पकड़ के बनारस से आयो वाला रहे। तो का हो गई, हम तिरछे जाके वो लोग स्टेशन से ले आओ तनी। अरे ना बेटा, गरिया 12 घंटा लेट बा, और अब वो लोग के आवत आवत बिहान हो जाई। अगर वो लोग पहले बतौले रही तो अब ले कौन इंतजाम कैल जाय। अब तो 10 गांव के लोग हो जाए इकट्ठा होकर शुरू हो गए लोकिए। बेटा आपते इज्जत के सवाल बा। जी मालिक। बेटा शंकर, ना हो कहता तू ही गांव के मंडली के साथ। जी बेटा, भाई के भक्ति में बड़ा शक्ति बा, और भक्ति में जौन आवाज दिल से निकलेला वह भजन हो जाला। ना हो कहता बेटा तू कोशिश करके देखो, माई की कृपा ही तो जग पार लग जाई। जी मालिक। और वैसे भी बेटा, हरियर निमिया वाला तो तू गावत रहला, ना हो के ता बाकीर मालिक हम कहीं कहीं भुला जाए। अरे बेटा हमरा पूरा याद बा, जहाँ भुलाई बनू हम याद पार दे। हाँ जी ठीक बा मालिक, आशीर्वाद दी। नवा हो मालिन लाख रे बरितिया,
बचनवा हो मालिन लाख रे बरसिया तोहके घर देव मालिन हम तीन तलिया है तोहके घर देव मालिन हम तीन तलिया झुलुआ झूले शीतली मैया देख बिहसे मलिया मालिन सगरो गौआ के लोगवा की बा परेशानी की बा दुख दोनों रोगवा कैसे बाण मालिन सगरो गौआ के लोगवा की बा परेशानी की बा दुख दोनों रोगवा चुप जन रहू हमसे कहू अपन हलिया चुप जनी रहू हमसे कहू अपन हलिया झूलुआ झूले सात बहिनिया देख भी हसे मलिया कौनो रोग होई काहे परेशानी गौवा के रक्षा रौरी हाथे बा भवानी अरे माई काहे कौनो रोग होई काहे परेशानी गौवा के रक्षा रौरी हाथे बा भवानी पूजा आके ले ली रौरा माई हर सदिया ए जी पूजा ले लिया के रौरा हर सदिया झूलुआ झूले मोरी मैया देख भी हसे मलिया हरियर निनिया के झूले डलिया ए हो हरियर झूलुआ झूला देले मलिनिया देख भी हसे मलिया माई मालिक जी की आशीर्वाद दी मालिक पिता शंकर कमाल हो गेल बेटा कमाल हो गेल बस देवी माई की कृपा रहे मालिक हाँ। कि जब पूरा हो गया अरे बेटा जी अतरा राम दुलारी मई के गई खटिया हमरी खड़ी कर गई है रमा सुन बतियो ना जोने दिन कुल छोड़ छोड़ के चल जाई तो उना दिन ही भुड़वा के पता चली की खटिया कैसे ठाड़ हो खेला लारी कपड़वा ठीक से नहीं के पिचात काजे बसाता कपड़वा बसाता कि अदनिया बसाता लगलू जतरे पे काम कुछ करे हैं जतरा तो ऐसा खात बने कि जैसे कोने ड्यूटी पे जात बने दिन भर चार को संगे बैठ के टंडली देखा मेरा रूसी यही चलते मुंह नहीं लगाई ले अब हमरा चुनाव भी अगल बाटे मन भर जाए ना तो कुल छोड़ सके हम नहीं हर चल जाए हाँ नहीं हर चल जाए बुझाता हूँ जा सोना की कुर्सी लागल ना तो आज सोना की कुर्सी लागल बाटे देखा दिन भर काम करत करत हमारा चुनाव भी आ गई
देखा फुलमती फालतू बात मत करा ना ताप। जब आदमी के कुछ ना सूझे ला ना तो आस पड़ोस के देखे कुछ सीखे के चाहिए। एको संतर में बाड़े एको ये बाड़े गोबर की चोट तब। अरे तो चल जाओ ये क्यों रुक ले बका चल जाए तोरा के कतोला देखा वत चाची सही काट रही कि लंगटा नाचे पहाड़ पर। अच्छा अच्छा तू बुढ़िया लागे तक कुछ समझो ले बा। अब समझ में आ गिला एको कहावत बा कि औरत के नाक न होके तो मैला भी खाए। अरे वो तो सारा काल जना तक की बरम थाली बैठ के ऊके खाला। भगवानो बचावे अब हमरा इधर भतार से। अरे ये का तुम कह देले भाई का हो मांगी भाई सवेरे सवेरे मुंह काहे लटकौले बाड़ा हो। लागत है देवी भाई हमार मेरारू के तोहरा माई से भेंट हो गई रहे त झगड़ा हो गई ता। अरे झगड़ा ससुरी नैहरो भागे के धमकी देत रहे का करबा मांगी भाई हमनिया के देखा हमर मेहरारू तो 6 महीना से नैहर भागल बा अब भैया के 6 साल से। बाकी उ दुनो मिलनस कब राज जागरणों में सही इकट्ठा रहनु। अभी जनबे करेला कि जहां 4 ठो मेहरारू इकट्ठा हो जाले तो क्यों न क्यों के घर तो उजरबे करी। हां आई काम में तोहार माई एकदम चैंपियन बा। अरे जायदा ए मांगी भाई का जायदी अब तो भगवान से प्रार्थना करा कि उ दोनों कबो इकट्ठे न हो। अत्ता बाकी है माल ने ललुआ पाइर दिया। बाबूजी हाँ समझ गई नी होली खातिर जरूर कुछ हो। जी बाबूजी तो बताओ बेटा तहरा कोनो कपड़ा लता या कोनो खास चीज बैठो। बाबूजी हाँ ये बार हमरा गांव की होली देखे की मनबा। गांव की होली हाँ हाँ समझ गई नी विष्णु के गांव के होली। बाकी रोवा कैसे समझ गई नी बाबूजी। वो ऐसे बेटा कि अपना मेडिकल कॉलेज में एक एगो गांव के लड़का पढ़ रहल बा आ वो बा विष्णु। अरे तो तू पहले काहे ना बतौलू होली खातिर 2 दिन पहले ही कॉलेज बंद हो गई आ विष्णु भी कल गांव में निकल गई हुई है। तो मांगी के संगे भेज देतनी। मांगी कवन मांगी। अरे विष्णु के गांव के हौवन उन्हीं के कहला पर अस्पताल में नौकरी लगवा देनी चला यही बहाने ओकरो 2 दिन के छुट्टी मिल जाई। ठीक बा बाबूजी। हां बेटा माई मिल गई परमिशन। मिल गई परमिशन। ई काजी बेटी जवान बा रहुआ दाई सही बिना सोचले समझ ले। अरे भगवान रमा पढ़ा लिखल बाड़ी फिर जमाना बदल रहल बा आ जौना लड़का से ओकर ब्याह के बात सोचल जाता ओकर घर पहले से ना देखले रही तो अपन राय कैसे दी। बात तो सही बा। तू का समझेलू कि 24 घड़ी हम ही बुर्बक हई। हट आ एगो और फायदा होता। कैसा फायदा। अब फागुन में हमनी के दोनों प्राणी ओए 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 हट जी नौवा तो बुढ़ारी में बात आउ सुन ले नहीं खू अब भर फागुन बुढ़ाऊ देवर लगी है भर फागुन बुढ़ाऊ भरे फागुन बुढ़ाऊ देवर लगी है। हट जी का भल रे फुलवतिया। माय उनका चिट्ठी आयल बा और खाली पढ़ पढ़ के हमरा के रोवाए चोटन बा। काहे खातिर रे। माय वहाँ डबल ड्यूटी करता रे। आई कैसे डबल ड्यूटी रे। रात में एको अस्पताल में ड्यूटी करता रे और दिन में कौन नई डिजाइन के गाड़ी हाकता रे। माय अरे तो अच्छे बालू रे पगली बहु ढेर पैसा कमा थोके। हाँ से तो बा माय पर होली में एक दिन के छुट्टी लेके घर आई है और वो हमरो से माफी मांग लेन और कहलन कि तू लौट आवो। अरे पगली तू रोई काहे छूटा था। वे चलते मैं कि अब मर्दाना हमरो से माफी मांगी है तो हमरा पर पाप ना चढ़े। मैं हम जाना नहीं। मैं ठीक बा बेटी ठीक बा। मैं हमरा के एगो सीसी में करुआ तेल दे दे। हाँ काहे खातिर रे। डबल ड्यूटी करत आरन माई और ऊपर से एक के दिन की छुट्टी लेके आई है। अब रात भर बैठ के हम उकरा के करुआ तेल से मालिश करब ता उनकरा के आराम मिले। ठीक बा बेटी चुप रह चुप रह। बाकी भैया बाकी भैया बोली ना। अच्छा भैया की ट्रेनवा में भीड़ हो क्लास से हमने की टिकट नहीं मिलल। काहे मैडम जी ई पर तो खूब मजा आवता।
हाँ से तो बा कहे कि हवादार बानू। मैडम जी यहाँ से अब गांव के सफर शुरू होता। अच्छा अच्छा जानत नहीं मैडम जी ये हमारा गांव के पोखरा बा ये हमारा तीज त्योहार छठ फुट में खूबे मेला ठेला लागेला। अच्छा हाँ नगीना भाई का हो सगीना भाई अरे कुछ लौकता कहीं लाटरी उठी तो ना निकल गयी मंगिया के अब बुझाता दूसरा बियाहो कर ले ससुरा कर लगे तेरी चचा काम खातिर अब आशीर्वाद कैसे देहल जाओ सगीना भाई आशीर्वाद खराब कैला के जरूरत नहीं थे बचा के रखा फिर काम में आई। हाँ जब से मंगिया गयी हा तब से हमरा लागत आ कि हमारे को टांगे टूट गए। मांगी भैया जी मैडम जी शहर की हो हल्ला पै पौ पा धुआं गर्दा से तो गांव की हवा पानी हरियाली बहुत है अच्छा बात जी मैडम। अच्छा मांगी भैया तोरा घर में के बा अब मैडम जी हमरा घर में हम और हमार अगर मेरा रुआ ना लोकी तो अभी तक हम अकेली बानी मैडम जी। अकेली बानी अब मैडम जी ये लोग हमारे दोस्त हमार। अरे तो मंगिया सुना मांगी भाई अरे मांगी भाई सुना हो लड़की बैठौले रहलस तो तनिको भावे नहीं देलस हो। अरे वो छोड़ा ना देंगे भाई हाई सोचा कि वो लड़किया कौन रहे कहीं उकर सलिया तो नहीं के हाँ मर्दे उकर सलिया तक बरन करिया तू तो एकदम ठीक का तरह देगी भाई उकर सलिया तो एकदम एक बरन करिया ये तो ये कौन रहे कहीं सार दूसर बियाहत ना कर लेलस मेरे रुआ के भगते समझ में नहीं क्या आवत बहू जी चलो चल के देखल जाओ चलो भगवान अब हमरा से कैसे जियल जाए हमरा के अपना पास बुला ले अरे का भइल बहू जी अरे बूंदी हमरा के पाव भर जा ला के दे दे अब हमरा से ना जियल जाए बाकी का भइल दीदी हमार तो कर में फूट गइल उ मुझौ सा अरे का मुझौ सा का भइल अरे उ है उडैनिया लागा तो ओकरा के कुछ जरूर पढ़ा लिखा के हमरे कौन दैनिया अरे बहन लागा तो कुछ खिया पिया देले सुमु छौसा के अरे बहुजी बाकी भइल का हमने के तो कुछ समझ में नहीं किया जब विपत के पार टूटी ना तब पता चले बाकी दीदी कुछ तो बताई अब का बताई हमार करेजा पर तो साफ हो गया चल मां इनका के घरे लिया चले पड़ी तू पेटिया उठा ला ठीक चले जी इल ही मैडम जी आ गए नी शंकर भैया विष्णु भैया के घरे अरे बाप रे थैंक यू मांगी भैया ये आफत की पुड़िया आई जा ना ना एकरा से पीछा छुड़ावे पड़ी नमस्ते डॉक्टर साहब अरे रमा तू यही जा हाँ काल होली बा आ हमरा गांव की होली देखी के मन रहे तो तोहरा पास चलेनी सोचनी कि गांव की होली भी देख ले और तोहरा साथे होली भी खेलल जाए अरे रे 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 हम तो भैया के ससुरारी जात बानी आई हाँ भैया भौजी आगे पहुँच के इंतजाम करी है कैसे इंतजाम का बात हो रहा बा भैया के एगो साली बाड़ी उनके साथ हमार ब्याह पक्का हो गई बा बस हमरा के जाके देखे के बा तो देख के का कब हाँ कब और का कब वैसे भी हमार भैया के जो साली है उनकर सोना नियर देह सुराहीदार गर्दन
सुग्गा जैसा नाम, अखिया कटार और होठ रसदार गुलाबी बा। का भइल रमा? मांगी ही कौन गाड़ी ले ले? अरे मांगी भाई प्रणाम, ये कैसन सवारी हो भाई? किनका के ले आई भैया? मर गई नहीं? अरे शंकर भैया, जौन कॉलेजवा में बिस्टू भाई पढ़ेला, हाँ? वो कॉलेजवा के प्रिंसिपल साहब के बेटी बाड़े। अच्छा, गांव के होली देखे खातिर रउवे सबे के पास आइल होई। अच्छा, तो भैया गेल रहे ससुरा, अब तोहरा जाए के रहे उनका साली के देखे, लेकर दे बस सोना नहीं है। रमा प्लीज, सुराहीदार गर्दन। रमा प्लीज, अखिया कटा रही है। रमा प्लीज, सुगा जी से ना। देख रमा, अहोट। रमा देख, ठीक रहो। अरे खुश रहे, कन नौटंकी बात भैया। अरे विष्णु। हाँ जी भैया। मेहमान के द्वारे पे खड़ा रख। बस छिटकनी तो खोलत रही। खोला, छिटकनी तो खोलत रही। इनकर भौजाई भी अब होते होखी हैं। बुन्नी अंदर चला। अरे मांगी भाई। हाँ भैया। तनी समनवा अंदर में ले ले आवता। जी भैया, ठीक बा। चलो भैया ले आ। चल जी जी। ए भगवान, मुझे और जाके दूर दे दिया। जीता जी, ओकरा के पूछ वाला पीला पड़ी। तबे मर हरे जे जुड़ा के भगवान, तबे मर करे जे जुड़ारी। ए बहन, ए बहन, ये मैं बैठा के कुमार ने मुझ कर बाकी कहवा गई। गई कहवा? गई कहवा? कुछ कपड़ा मतियो आ गई लड़की। कुछ कपड़ा के? अरे आपका भैले मेम साहब, अब तो हम डबल ड्यूटी करल बानी। अरे ऐसे डबल ड्यूटी करे से बढ़िया तू पहले ड्यूटी नहीं करत रहला। कम से कम हमरे छाते मुंह करे खाते कोनो सौती ना दे रहला। अरे कौन सौती? कैसन सौती? अरे वो सौती जेकरा के खटाया बैठाई के सके सके घुमा रहला। बे 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 बे। अरे बाप रे बाप, लागत आई बेरारू नौकरियों से हाथ धोवाई। अरे जान तरू के बा के बा। बाजी बाबा सभी घरे जाए, एको खास मेहमान आइल बड़ी। और तू बैठा बैठा, घर चल के अस्थिर से तोड़ा के सब समझाओ के पड़ बैठा, नहीं तो होली में गोली चलवा देऊ गोली। बैठा। अरे बुनी बिटिया दे दा, बिटिया में करवा दे बा। चल होली है, होली है, होली है। कान भरी सगरिया हमारी कहत बेजना गगरिया हमारे कहत बजनारे। हाँ, गगरिया हमारे कहत बजनारे। अरे शंकर भैया, भर महीना फागुन के ये कुल तो गावत रहला, कबू कुछ कहनी है तोरा से? गाओ जी लग जवान। अरे आज होली बा, आज कुछ ऐसा गाओ कि मियाज हरियरी घास नियन हो जाए हिला हिला। अच्छा, के ई बात बा सुनावा। तल्ला सुना सुनाइए देता नहीं तोरा के। सुनावा सुनावा। आज दा हमरो घोट के भैया शंकर जी के बूटी की लाज शर्म सब छोड़ के हम हो आज भगवान में जुटे।
पियर करिया आइले फागु हरिया हो आइले फागु हरिया देवरो से रंग वाला नाचुन रिया हो दुवारा आइले फागु हरिया होली रंग वाला नाचुन रिया हो दुवारा आइले फागु हरिया चुनरी चोली भूलई तनाई होली ई मस्ती सब निकाल देती तोहर मस्ती हम निकाल देती दिन सूझे न रात बुढ़वा के होला रतौदी दिन सूझे न रात बुढ़वा के होला रतौदी ओ दिन सूझे न रात दिन सूझे न रात बुढ़वा के होला रतौनी ओ दिन सूझे न रात दिन सूझे न रात बुढ़वा के होला रतौनी ओ दिन सूझे न रात बुढ़वा के होला रतौनी अरे कागज न लौके टोइया लगावे टोइया लगावे हो टोइया लगावे चढ़ते फगुनवा जवानी देखावे आपा छिपावे जवानी दिखावे के बहते बयार बोले मन पिया पिया भगवा के बहते बयार बोले मन पिया पिया रंगवा के देखते फुहार बोले मन पिया पिया रंगवा के देखते फुहार बोले मन पिया पिया आज पिया मेरे मेरे जवाब बनाए उनके से गगरिया हमारे कहत बजना रे गाना भरे तो गगरिया हमारे कहत बजना रे होली है अब हमर खा ए सरकार लागता दोनों भाई के भांग के निशा चढ़ल बा अभी करिया का और हरियर का अंगूर इकट्ठे खिया है तो हमरा रिएक्शन ना करी का रिएक्शन अब अंगूरो रिएक्शन करी आई में हमार गलती बा गलती कैसा गलती सरकार बड़ा से गले रही ना कि फगुआ के दिन आपन सखी सरेलिया के ले ले आइए ए सरकार अबे में हमार कौनो गलती नहीं के अब अगर दुकानें बंद हो गई
तो हमार कौन दोस्त? तुके मालूम है जोन काम हम दोनों भाई करीला इकट्ठे करीला। तो खियाई सरकार। और वैसे तो तू जनबे करेलो रानी के भगवा में मरत छुट्टा साड़ हो। बड़ा मई पहले हम खिया ले ओकर बाद तू खियाई है। ठीक ना भैया? कैसे लागत है? और खाएगी? हाँ खियाए। रमा चापा कलवा पर भीड़ भाड़ छादे होगी, यही से न्याय में देरी हो रल होगी। देवर जी के कपड़वा यही जे रख देतानी, वो आ जाइए तब बता दिया। जी बहू जी। तब ले हमू नालिद बानी निहा के फिर खाना निकलता नहीं। ठीक बा? ठीक बा। अब मजा चखाई हम अपन करे जाओ की। भौजी, ए भौजी सनी कपड़वा दे दा। करे जो करे जो करे जो भौजी हो एक चुम्मा दिल जय है हो करे। भौजी कहाँ गई ली हो? हम का जानी जी रहुआ जानी की रोर भौजी। कपड़वा नहीं निकल ले रही का? हम का जानी जी, वैसे पलंग वापर एक वो कपड़ा रखल बा लागता तो हरे बा। तनी कपड़वा दे दादा। हम काहे खातिर देवे जाई, जिकरा जरूरत बा वो जाके ले लेवे आपन। मौका मिले दा तोहरा के एक दिन वो मजा चखाइब ना। अरे वो मजा वाला दिन कहिया आई राजा। एकदम निर्लज्जे बाड़ू का हो। अरे तू एकदम बिहार के गाचे बाड़ू का। ये मौका के तो इंतजार में रही हम। अरे कैसा मौका आए? कितनी का प्यार करल जाओ अपन रजो की संगी फगुआ में। देख रमा हम तोरा से प्यार नहीं कर सकते। काहे जी ना मरे बन का रमा। अरे ये रमा कहां गए? अब मान भी जाएं जी। देखा यहां हमारे जैसे खिलवाड़ मत करा तू। आज ले तो हम सुन ले रही कि लड़की की इज्जत से खिलवाड़ हो केला बाकी रब। देखा तू प्रिंसिपल की बेटी होकर के नजायज फायदा उठा रहल बाड़ू। कैसन फायदा जी? रमा हमार बिया ओइजे होकी जहां हमार भैया चाहिए। भैया अगर गधी से कहिए तो गधैये के दुल्हन बना के ले आइब और ओकरे के प्यार करब। तो जाके भैये से पूछ लेता नी अब कि ई गधैया चली का काहे की हमहु प्यार कइले बानी। रमा छोड़ा क्यों देख लीही? कोनो खिलवाड़ नहीं हमरो दिल में तोहरा खातिर प्यार बा, बाकी हम भैया से नहीं। रमा छोड़ा हमरा के। रमा रमा सकता हमरा पहले से ही रहे बाकी सक कौन बात के सक हो? अरे ये रमा और विष्णु के बीच में लागता कुछ प्यार डर के चक्कर बा। का बात करते रहो? विष्णु तो कबो हमरा से अच्छा हम अभी बोला के पूछा तनी। विष्णु, ए विष्णु। जी भैया। तनी यहां आवाता। जी विष्णु। जी ये हम का सुन रहल बानी? जी तू रमा से? हां रमा से का भैया? ओहे जे आजकल के लड़का लड़की में हो जाले भैया रहुआ ई का खत। देखा विष्णु अगर ऐसन कोनो बात होखे तो तू हमरा से बतावा। अरे तू ये सोचत होबा ना कि हमनी के गरीब है और लोग अमीर बा? नहीं भैया ऐसन कोनो बात नहीं खे। देखा अगर ऐसन कोनो बात होखे विष्णु तो तू हमरा से बतावा, हम तोहरा खातिर बाबू ओ लोग के हाथ जोड़ब, ओ लोग के पैर पड़ा, बाकी रमा के हाथ तोहरा खातिर। भैया रहुआ काहे खातिर हाथ जोड़ब? अरे हमनी के लड़का वाला है जा आ हाथ जोड़े के होकी तो ऊ लोग जोड़ी है ना, और आप सीना चौड़ा करके बैठी समझनी। हाँ विष्णु ठीक कहता है, अरे हमनी के लड़का वाला है जा सीना चौड़ा करके हम बैठबे करब। अरे ऊ लोग हाथ जोड़े खातिर? अरे मामूली बात थोड़े बा। हाँ बाकी बाकी का भैया एकर मतलब ही कि तोहरो दिल में रमा खातिर। भैया हम जाता नहीं है? हमरा लाज लगता। हम दिए जिसे ही होला जाता होगा फेटी जी। अरे
बारात ले आइब बाजा दुआरे पर बजाइब डोली संग बारात ले आइब बाजा दुआरे पर बजाइब गोरिया जान ल ले हब चुम्मा पक्का भाई मान ल घुट मिले हब चुम्मा पक्का भाई मान ल अजी जब दुल्हा बन के आए तो तारी पखियन से सुनवाई पहला बोल के मड़वे ने हर की लागी आगा पाछा खोल के मड़वे ने हर की लागी आगा पाछा खोल के सतौले वालू हमरा के प्यार में गिन गिन बदला ले हब मड़वे के आड़ में अच्छा हाय हाय बहुत सतौले वालू हमरा के प्यार में गिन गिन बदला ले हब मड़वे के आड़ में गिन गिन बदला ले हब मड़वे के आड़ में गिन गिन बदला ले हब मड़वे के आड़ में अपन झूठ कही चटवाई पिछिंगी खोल के मड़वे में हर दी लागी आगा पाछ खोल के मड़वे में हर दी लागी आगा पाछ खोल के तोहरा के नत पाइब रानी पगहा छान लगाइब हाय हम हो तोहरा के नत पाइब रानी पगहा छान लगाइब गेटियां बांधल घुट मले हब चुम्मा पक्का भाई मानल घुट मले हब चुम्मा पक्का भाई मानल अजी जब दुल्हा बन के डोली संग बारात ले आए बाजा दुआरे पर बजाए गोरिया जान ल नया मुल्ला कहाँ से पकड़ लेना सही तीन का बात बाहो जी कहीं शंकर बेटा हम रमा के बाबूजी प्रणाम प्रणाम हम चाहते नहीं कि रमा के ब्याह राउर छोटका भाई विष्णु से अरे अरे आई आई
आई यहाँ बैठी ना एक बार ठीक ना रे कुर्सी लेके आवत नहीं रवा कुर्सी पर बैठा हाँ अरे ना ये टूटल बा नया लेके आवत नहीं अरे गौरी एक गिलास पानी गोड़ धोए खातिर आ दू बाल्टी शरबत भेजा जाओ भाव तू लोग लेके आवा मारो वही आई आई यहाँ बैठी ना ना यो ठीक ना रे देखा साला बैठ के टिपा था एक गांव के कौन एक हन बदमाश समय सर हसो कके अगुआ के माथा पर तो जरूर हक सर अरे बस बस बेटा तनी सांस ले तू ये बतावो हमार रिश्ता मंजूर बाकी ना मंजूर बा बाकी एगो सब बा रवा चिंता मत करी अरे हमके दहेज वहेज नहीं चाहिए अरे बाबूजी हमार तो इतने शर्त बा कि एक बार खाली हमरा विष्णु के डॉक्टरी की साटिक फिटिक मिल जाए दी ओकर बाद रउआ जहिया कहब राउर दरवाजा पर हम बारात लेके आ जाए तो ठीक बा आज से हमनी के रिश्तेदार हो गए निजा जी ठीक बा गोड़ धोए खातिर पानी अब पिए खातिर तलबात हाय बुलबुल तई सब उल्टा पुल्टा कैसे हो गए रहुए देव का ले रही अरे रुका भाई ए सब गोटा खड़ा रहा धक्का मुक्की मत करा सबका इलाज हो लाइन से आवा विष्णु जी भैया आवा चल भगवान तो और हाथ में ऐसन यस देहस कि मरीज के हाथ लगते ही मरीज दौड़े लागे अरे धक्का मुक्की मत करा सा हमने तेस्ताए काते लाइन में लादल वाली देवी भाई अरे चुप गुरबक कहीं के जब देखा तब लुबु लुबुर करत रही अरे देखत नहीं खा इस सगरो गांव काहे खातिर खड़ा बा लड़का बुढ़वा जवान देवताद अरे चुप गुरबक चिमटी मत काट रे ए लगी ना भाई का हो सगी ना भाई अरे अब अखिया के इलाज हो गईला के बाद सगरों के सगरों दुनिया फेर से लौटे लगी ए मर्दे तू तो ठीक है बाबा फिर हमर गठरिया के का हो अरे अभी हो कट जाए ना अरे बड़ा दर्द होई सगी ना भाई अरे दर्द मरद के ना हो की तो केकरा हो की ए मर्दे जी चली तनी हमनी और जांच करा लियल जाओ जांच होता कि भर कपार मंगनी के चंदन लिपाता बाकी रे हमनी के जांच कैसन अरे 8 साल हो गए हमनी के बिया के अब हिले लड़का पड़का कुछ ना भइल अगर कहीं हमरे इंजन में खराबी हो कि ता भर गांव हल्ला उठ जाए कि हम ना मरत बानी का सोचता नहीं विष्णु भैया तो अपने घरे के डॉक्टर हुए ना चुप बकरी अरे लड़का फेका भगवान दिए कि विष्णु दिया है जांच के नाम से तो ऐसे हरकत बाड़े कि जैसे इनकरे इंजन खराब बा तू का सोचल बाड़ू सोचा तानी कि जांच के नाम से एजी कहीं रउवे में तो झोल नहीं थे ए चुप अरे अगर हमरा में कोनो झोल रही तो तोरा के पता ना चलित हैं हां जी तब से तो बा बोला चला करे चल चला चला लेके के जुगाड़ कर जाओ कहन बदमाश हमें सा का भेल जी अरे भाईल का क्लिनिक का उद्घाटन के खुशी में पूरा गांव चंदा लगा के नाच गाने के प्रोग्राम रख देले सा अब कमाल के बात ई देखा कि हमरा के कानो कान खबर निखे अरे हम तो आपके देखनी है जब द्वार पर मरकरी बत्ती खातिर तार खिंचा देखनी है अब ठीक ही तो बा चारों चहद्दी में हल्ला हल्ला हो जाए से तो बा गौरी अरे ई कनगी ना भाई ई तो हिलते नहीं थी तोरे निहान बैठ के बिहान करिए का अरे चुप रहा का हो कतला तरसैबू देगी सरकार आज गुलाबो भाई बड़ा खिसी आइल बाड़ी खिसी आइल बाड़ी काहे अरे सरकार आजकल भारतीय नारी बड़ी कष्ट में बाड़ी ये अंग्रेजी फिल्मिया के ऐसा चक्कर चल बा कि एक के सिनेमा के बाप और बेटा दोनों गमछा से मुंह तोप के देख लेता रहे और घर में आके उत्पात मचावता रहे कैसन उत्पात उ सब तो गुलाबो भाई बताइए तो अच्छा लागी सरकार बतावा बतावा गुलाबो भाई बताई बताई
करवा के द्वार पर मेला ठेला लागल रहे सरकार। ऐसन का हो गई रे सरकार, बिसुनवा एक तो दवा खाना खोला सा। हाँ तो गांव में कलरा फैल के कारे नहीं मालिक, वो बिसुनवा मुफ्त में सबके इलाज करी, यही चलते सब तो धर्मात्मा बन रहल बा। और वही खुशी में राते नौटंकी करेले रहे सरकार। हमने के बुलावलस बिना ससुर, हमने गाँव के बड़ा आदमी है, हमने के हाथे फीता कटवाओ की चाहत है। सुन हाँ? नाच लौंडा के रहे कि बाई जी के रहे? रोत्र जी भैया, कर्जा साथे चुकावल नहीं के पार लागल और नाच नौटंकी करावत बा। एको काम कर जी सरकार, जो शंकरवा के बुलाए के लिए आओ। हे सरकार, एगो और ही खास समाचार बा सरकार। उका रे जाऊने कलेजवा में बिस्नुआ डॉक्टरी पढ़त रहे, उहे कलेजवा के प्रिंसिपलवा के बिटिया के फसा ले ले बा सरकार। ओ अच्छा, इतना लंबा हाथ मर ले बा ससुर। और सुनने में आयल है सरकार कि बियाह तय हो गई है, अच्छी काम भी पड़ गई बा। तब तो मालो पुरकस मिले वाला हो खीरे। जी सरकार, एक दो काम कर, अब शंकरवा के कैंसिल करके बिस्नुआ के बुला लिया। जी मलिकार, चला हो। उंगरी टेढ़ा कैला के बाद हो सकला एक दुई कर्जा वसूल। आज कौनो काम धाम नहीं की काजी? हाँ, काम धाम तो बा गौरी, बाकी तनिका अपन भी सुनुआ के देखत रही। जोर से सांस ला। ठीक है, हम दवा देते हैं। आज हमार कुल ही सपना पूरा हो गई, बाबूजी से कई वादा भी आज पूरा हो गई। गौरी एगो बात बताई काजी, काले ही पेट में के छोरा भी कहत रहे कि बाबू हो हमरो के विष्णु चाचा जैसे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया। चली हटी जी, अब पेटे में के लड़का लागल रउआ से बतियाए। रउवे नियर बदमाश पा, रात भर लात मार मार के हमार कचुम्बर निकल ले रहेला। चली जाई अपन काम देखी। हाँ भाई जात बानी, काहे कि एकरो खातिर अभी एक झोका लगे ही किन पड़ी। ठीक बता ची रहा बेटा। भगवान बनौले रहे ही लोग के। डॉक्टर बाबू, ए डॉक्टर बाबू के बा? अरे हम बानी छोटका मलिकार आपके बुलावले बाड़े। काहे खातिर तबियत तो ठीक बानो? अरे वो तो हमरा के नहीं के मालूम, लेकिन आपके बुलावले बाड़े। नहीं मालूम बात तो हमरो गुंडा लखीरा से मिले के कोनो शौक नहीं खे। इका कहत बा हो? डॉक्टर बाबू सही नहीं की करत रहो। हाँ अरे सही गलत हमरा खूब मालूम बा, जा तू रोगे इजा से। अब का करल जाए, मालिक से का कहल जाए? अरे मालिक जी तक कही है कि सीधे गर्दनिया पकड़ के कहन लिया इलाज सार के।
से तो बा, लेकिन अब बात ने कुछ मिर्च मसाला लगा के पेश करके पड़ी। चलो चार अक्षर का पढ़िए सर, यो भुला ये कि हम का है और ऊ का है। मालिक हम ही कहनी है कि वो गांव के बड़ा आदमी हवन, महान आदमी हवन। ता मालिक कहा था कि उनका महानता हमरा गोड़ के धोनो जैसा नहीं के। और करे पूरा बात बोल। मालिक वो कह लागल कि बूढ़ा मालिक के अगर बेटा ना रहितन तो कुत्ता कौवा ना पूछी ऊ लोगिन के का। उल्टा हमनिये के कह लागल कि डरे गुनगान करल तू लोग। भैया हो सार से कर्जा चुकाओ लिखे पार लागत और लमर लमर पिंगल पाता था। कर्जाओं की कहानी है मालिक, तो लागत ठाउक ठाउक बके। शहर में रह के पढ़त रहा ना लौंडा, यही से हमार करीजा नहीं खिंचाना था। चाहे तब है घर से घसीट के मार मार के बिछौना बना दी सार के और क्यों जुबान खोले। बाकी अखंड के पहचानत नहीं थे। तू जोरे ब्लेड फाके लेके और शंकरवा जहां होके जोर हाथ में होके घसीट के लेके आओ। आज फैसला होके रही। रुद्र जी भैया, तू चटाधारी और चक्रधारी के फोन लगाओ और कहो कि 5-6 लाख रुपया लेके यहां पहुंचे। पुलिस थाना में रुपया मुंह में ठूसे के पड़ी, वो कर जुबान बंद रखवाए पड़ी। शंकर, ए शंकर, हे बाहो, चला छोटका मलका तोहरा के बुलावा ताड़े। ऐसे काहे बोला था? का बात बाहो, ऐसे काहे बोला तारा? ओ बिसुनवा तनी जवान के लगाम देना तो राख लगा के जवान खींच ले। का बात बरे, ऐसे काहे बोला तारे? ओ छोटका मालिक के बिस्नु तनी ठाक उठाक बोल देले बा। आ छोटका मालिक के करेजा तो तू जनता ही बाड़ा। अगर छोटका मालिक चाहतन तो ओकरा मार के बिछाऊंगा बना। जा के कह दिए अपन छोटका मालिक के कि अगर बिस्नुआ के आंख उठा के देखी है तो उनका आंख दोबारा दुनिया देखे लायक ना रही। और हम बहुत जान करेजा के तो जान पाव भर के मांस के लोथड़ा छाती में फड़फड़ात रहे ले। छाती चीर के निकाल के जमीन पर रख के मसल दे। चाहत तो शंकरवा के बुला के कुट्टी कुट्टी अपना द्वारा पर काट के गड़वा दे। शंकरवा उठ ना करी बाकी विष्णुआ खातिर शंकरवा बारूद के ढेर है। बारूद के ढेर से खेलिय तो चल के भस्म हो जाइन। समझा दी रहा मोदी के ना ही जटा धारी भाई हमार करेजा तबले न शांत हुई जबले न हूँ। रुक गई अखंड भाई, अभी गुस्सा ठूक दी। काहे की समय की चक्कर भी कुछ उल्टा चल रहा बा। हाँ भैया, प्रशासन भी कुकुर नहीं सुंघत चल रहा बा कि जंगली जानवर कहाँ गायब हो रहा बा। तनी को ऊंच नीच अभी हमने के जेल के चक्की पिसवा दी। अरे तेल लगाओगे जेल के चक्की? साला गांव में जब इज्जत न रहे तो बाबा जी का। भैया ना हो तो हमनी के एक महीना खातिर कहीं घूमी आवल जाए, फिर मौका देख के टपका दिया जाए। अरे मौका मौका मौका। चक्रधारी तू एक बार कहले रहले ना का कि चमड़ी के धंधा में बड़ा माल बा। हाँ भैया, और शासन के जबले निगाह बा जंगली जानवरन के मामले में तबले यहे धंधा ठीक रही। मालो खूब मिली। सोच ले तार बानी हो गई। कैसे भैया जरा हूँ नजर पलट के देखा तो सही। शंकरवा एकरा के बहिन मानेला, आज हम एकरा इज्जत के संगे खेलब तब हमार करेजा ठंडा होई। होकर बात तू लोग एक अच्छा भाव में बेच दे। जद यो एकदम सुनसान बा, अरे इत काम हो जाई और केकरो कानो कान खबर भी ना लागी। आवा तो काम करे ले। अरे सा अरे कहां जाएगू, इतना जल्दी जाए के जरूरत नहीं बा। इनका मजा पा हमरा जाए। भैया गजबेदा गदराइल भी आई हमार तो देखते ही लार टपके लागल। इतना धीरे से तो कबू देखले न रही ससरी के। अब देखला दोस्त कर भैया पकड़ जाने के। भैया बहुत तेज भागलु, कहाँ तक भगबू? बहुत तेज भागता चक्रधारी। चक्रधारी पकड़ी जल्दी। चक्रधारी भाई तो कबड्डी खिलावतिया। कबड्डी
कपड़ी 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 कपड़ा। अब चुनरी हाथ में आएगे, बाप चलियो हाथ में आए चक्रधारी। कपड़ी 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 कपड़ी। बहुत करेर बा चक्रधारी भाई। मेरा मेरी मेरा मेरी बाबू, यह बात तोहर मानता जेकरा पर तोहरा इतना घमंड बा। सलमा तो ऐसे भाग जा, हम कहीं तू ऐसे भाग जा, सलमा ऐसे भाग जा। मेरा हुआ चली भैया। बहुत सही मौका पर आई पाड़ा तुम। शंकरवा की आवाज है, चला निकला। जल्दी चलो भैया, अरे जल्दी चलो।
ना हो भैया। हाँ कोला तोरा कुछ ना हो के विष्णु। हाँ कोला विष्णु। हाँ कोला भैया कुछ बोलत कहने का बाबू। हाँ कोला विष्णु। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हमारे भाई की जिंदगी बचा ली डॉक्टर साहब। अरे कोनो चाकू मार ले रहे डॉक्टर साहब। देखिए पहले पुलिस केस करना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। डॉक्टर साहब तब तक तो मार भाई। देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, बिना पुलिस केस के मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है ईवी को गुंडा मावा ली। गुंडा ना डॉक्टर साहब, हमारे भाई गुंडा ना। अरे तो खुद डॉक्टर है, ये डॉक्टरी के पढ़ाई में पूरे देश में टॉप कहले बा। अरे डॉक्टर साहब ही डॉक्टर विष्णु खुदे डॉक्टर साहब ही खुदे डॉक्टर। हमारे भाई के बचा ली डॉक्टर साहब, हमारे भाई के बचा ली डॉक्टर साहब, हमारे भाई के बचा ली डॉक्टर। सिस्टर कॉल द पुलिस स्टेशन एंड प्रिंसिपल ऑफिसर। आप उठिए प्लीज। देखिए मैं इनकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप खबर है प्लीज। हाँ मागी भैया, मागी भैया गजब हो गई बा। का गजब हो गई? तोरा गांव के जाऊं डॉक्टर विष्णु हमनु, उनका गुंडा सा चाकू मार देने का ऑपरेशन चलत बा। अरे बाप रे बाप। मांगी भैया जी, तोरे असरा देखत रहनी ताओ के तेरे को काम कर बतू चिक्कई। दीदी की कोनो खबर नहीं की, फोन तो क्यों नहीं की उठा। एक तो दीदी के दिन पूरा हो गई बा, पैसा ऐसा खबर सुन ले होगी। मांगी भैया तो एक काम कर कही ना, ना हो के तो तू अपन गाड़ी से जा, जाके दीदी के ए चली आवा। तो छुट्टी की चिंता मत कर, हम कह देता नहीं तू जा। छुट्टी की चिंता नहीं की करत विष्णु भैया। मांगी भैया हम सब यही जे बानी ना, अभी तो ऑपरेशन हो रहा बा, अभी तक कोई खबर नहीं की। ठीक बा, अब जाता ली, जाता ली हम। लगता, लगता दांत लग गई बा। बुनी खाली से चम्मच वा दांत। सर ऑपरेशन सक्सेसफुल है। हाँ। लेकिन डॉक्टर विष्णु कोमा में चले गए। क्या ये कोमा का हो गया डॉक्टर साहब? बेटा शरीर तो काम कर रहा बा, लेकिन लेकिन दिमाग के कंट्रोल शरीर पर नहीं खे बेटा। हम समझ नहीं ना हमार विष्णु कब ले ठीक हो जाए। भैया ये एक तरह की बेहोशी होता, ये दो घंटा में भी ठीक हो सकेला, दो दिन में भी हो सकेला, एकरा ठीक होके में अगरो से ज्यादा समय लग सकेला। तो तुमने हमार विष्णु कुछ ना बोली,
हमार विष्णु कब ले बोली? हम कुछ ना होके दे विष्णु के बेटा शंकर, हम कुछ ना होके दे उनकरा के बेटा शंकर। तू शांत हो जा, चुप हो जा बेटा, तू बैठा। हम विष्णु के कुछ ना होके दे बेटा, तू बैठा, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए विष्णु, सब ठीक हो जाए हमार विष्णु, हमार विष्णु। बहन कुल ठीक हो जाए, चिंता मत करो। का भी इनका दांत लगा था तो जल्दी से अस्पताल ले आ चल इनका, और तू संगे चला। सलमा तू ऐसे घर बनिया। मांगी भैया, मांगी भैया। काबिल सलमा भैया हमें कर्म भागल है, जे जन्म ते ही अब बाम में के और अब इतु का कहत। हाँ भैया, हमरे वजह से बहुत अपन कोर्ट में के लड़का के कौन सदमानी के ओकरे वजह से करके खुशी में ग्रहण लग गए भैया। सलमा जबकि भैया हम ही जानत बानी कि बिस्ने भैया हमार इज्जत बचाओ तो केरल केरल पापी अखंड मां भैया बाकी भैया ये बात शंकर भैया के नाम बताइए भैया, नाम बताइए, नाम बताइए भैया, नाम बताइए। एक बार आँख खोला विष्णु, अपन भैया खातिर एक बार आँख खोला विष्णु, बस एक बार बता दो उस सब के रहे विष्णु, उस सब के रहे विष्णु, एक बार बता दो विष्णु, एक बार। सार के कोमा लाग गई। ओके मरले ही साथ तेरा ली कि पहले कोमा लागे फिर बाद में फुल स्टॉप। एक मिनट एक मिनट। वैसे कोमा का होला? कोमा के मतलब अखंड भाई, 90 पैसा साफ। अच्छा, और 10 पैसा भगजोगनी। सार अगर कोनो दूसरा अस्पताल में होत ना तो बच्चा कुचा 10 पैसा अपन चुक देती। सही कहा तारा अखंड भैया, सही कहा तारा। खैर जब 90 पैसा साफ हो गए बा तो कल 10 पैसा वो साफ हो जाए। तो भैया हो कल रमन चमन के इंतजाम होके। हां ओके ओके, लेकिन एक मिनट कल आए भगजोगनी भाई। रमा हाँ दीदी, विष्णु किशन बाड़े सब ठीक हो जाए दीदी, रवा चिंता मत करी। ये जन्मे के पहले ही हमार घर की खुशी पर खरान लगा दे ला। अरे अरे ना बहन ना, ऐसे मत कहा, भगवान कुल ठीक कर दई है, कुल ठीक कर दई है। अरे माँ हाँ दीदी, ओ अपने कहवा बाड़े दीदी उनकरे लगे बैठल बाड़े। देहिया के हमारी परान तू ही बाड़ा, सुखवा के सजिया बिहान तू ही बाड़ा। एक बार आँख खोला विष्णु, अपन भैया खातिर एक बार आँख खोला विष्णु। खाली हमके इतना बता दे भैया, वो कौन पापी रहे विष्णु, अपन भैया खातिर एक बार आँख खोल विष्णु, अपन भैया खातिर आँख खोल विष्णु। नाता कसम धरती मैया के, पूरा दुनिया के आग लगा दे भैया। लायक दाना अनाज, लायक मुन पानी, कुछ मत तो मुंह में लेके गई। अरे ऐसे जान देवला से तो अच्छा बा कि पापी के मार के खोल भैया ना, तब पूरा दुनिया के आग लगा दे। शंकर भैया हमरा के मालूम बा कि वो पापी कौन रहे, कौन रहे वो अखंड बा। भैया शंकर भैया, शंकर भैया अरे गलती से हमरा से कहा गया, हम सलमा से कहा कहा रुका। शंकर भैया
रुको, ना हो कि तब हमने के चल के पुलिस थाना में केस कर दिया जाए। अरे शंकर भैया सुना था, शंकर भैया रुका। शंकर भैया तो बात सुना। अरे शंकर भैया, अरे उसे गुंडा लखेरा बन से कहीं तरह के प्रणाम भैया, इनका रक्षा करिए। माई हमरा के शक्ति दही माई, आज हमरा के शक्ति दही माई की जवन घड़ी, हम बिष्णुआ के हिसाब किताब करी। ओ घड़ी उ देवता समान बूढ़ा मालिक के चेहरा हमरा आंखी में नहीं आवे के चाही। काहे कि हम नहीं चाहब कि बिष्णुआ के हिसाब किताब में कोनो कसर रह जा। हमरा के शक्ति दही माई, हमरा के शक्ति दी, हमरा के शक्ति दी माई, हमरा के शक्ति दी, शक्ति दी, हमरा के शक्ति दी माई। Thank you.
गजब की शक्ति आ गई मैं करा से अपन हाथ गंदा मत करी एकरा की कानून सजा दी विष्णु भैया विष्णु भैया विष्णु भैया 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 विष्णु भैया बड़ा विष्णु हाँ भैया सब ठीक हो जाए विष्णु सब ठीक हो जाए
विष्णु भैया बेटा भैलवा विष्णु तू चाचा बन गेला विष्णु तू चाचा बन गेला हम तनी देख के आए विष्णु हम आव तनी विष्णु चला गौरी काजी एकर सूरतिया तो एकदम तोरे के पड़ल बा ना जी रोरे नियर बा अरे वो हम थोड़ी दे वो तो भगवान जी दी है नू भगवान वो तो भगवान ने दी है भगवान जल्दी इतना जल्दी बिना मेहनत के अरे अरे भगवान बिना मेहनत के परम परमेश्वरी हो डॉक्टर बनी कुछ कह चल जल अखियां किया कह अखियां हाय कुछ कह आज रतिया सजनिया हाले हाले बाजे ले सनिया और बाजे दप जनिया